Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Thursday said that scarcity and illiteracy are the biggest enemies of society and added that scarcity comes from poverty, inaction, anarchy, corruption and internal divisiveness. The Chief Minister is speaking at the inauguration of academic program at Atal Residential School program in Lucknow reflected what former leader Atalji said that society that can fight against illiteracy, no one can stop it from becoming safe and prosperous. Yogi further added that when a society does not get leadership in the right direction, then illiteracy spreads rapidly. शिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा, ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा। और अशिक्षा है इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। यह हमारा सौभाग्य है कि सर्वे अटल जी की स्मृतियों को निथारा अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम प्रारंभ शुभारंभ होने के साथ साथ द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं।